कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जिंगाटल ब्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे। मैं तो एकदम ही ज़्यादा मस्त हूँ। मैं हूँ अभी फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ पे मैं अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं मुंबई के सबसे फेमस मार्केट में, जहाँ पे सारी चीज़ें मतलब मिली जाती है। मतलब अगर आप मुंबई से हो तो आप वहाँ पे शॉपिंग करते होंगे। अगर आप बाहर से हो और आपको शॉपिंग करनी है तो नटराज मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस विच इज़ इन मलाड। तो मलाड नटराज मार्केट हम जा रहे हैं। मुझे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और साथ ही साथ आप लोगों को भी जो है मैं मार्केट घुमा देती हूँ। चलो, शायद ट्रेन आती ही होगी, ट्रेन पकड़ते हैं और मैं आप लोगों को सीधे मिलती हूँ मलाड में। दोस्तों, मैं जो है मलाड स्टेशन उतर गई थी और मैंने सोचा कि सबसे पहले ना पेट पूजा कर लेते कुछ शॉपिंग करने के पहले, या आप लोगों को नटराज मार्केट दिखाने के पहले। और मम्मी को ना मुझे ट्राई कराना था ये जंबो किंग का मुंबई बर्गर, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करना। मतलब वड़ा पाव वाली भी फीलिंग आ जाती है और थोड़ा सा बर्गर वाली भी फीलिंग आती है। तो चलो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे दिखता है एंड खा के फिर उसके बाद में अपन चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। दोस्तों, ये रहा अपना मुंबई बर्गर। कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करना, बड़ा ही मज़ेदार होता है। कैसा है पापा? जंबो किंग के बाजू में ही होलसेल मार्केट की एक गली है। उस गली के अंदर घुसते ही आपको कई सारे अलग अलग तरीके के ज्वेलरीज मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वैसे हम पहुँचे एक शॉप में, वहाँ पे हमने ये ज्वेलरी देखी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो इनकेस अगर आप मतलब ब्राइडल के लिए देख रहे हो या कोई ओकेजन है, कोई डांस परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए भी मतलब ऐसा कुछ आप ले सकते हो। ये कितना प्यारा लग रहा है। ऑल्सो ये भी बहुत क्यूट सा मुझे लग रहा था, चोकर टाइप है और प्लस ऐसे लॉन्ग आपको एक नेकलेस भी मिल जाता है। मतलब ये भी एक अच्छा पैटर्न आजकल चल रहा है जो कि 700-1000 तक में आपको मिल जाता है। मैंने ट्राई भी कर लिया, ऐसी बहुत क्यूट लग रहा था। साड़ी पे या ड्रेसेस पे आप पहन सकते हो। अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज है, आप आपके ओकेजन के हिसाब से पहन सकते हो। मैंने यहाँ पे एक शॉप देखी जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मंगलसूत्र मिल रहे थे। उसके बाद हम गए इस बैंगल्स की शॉप में जहाँ पे चूड़ा, अलग अलग टाइप की बैंगल्स मिल रही थी। फिक्स प्राइस था लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत बार्गेन कर ही रहे थे वो। तो चूड़ा कुछ 300-400 का था, बैंगल्स 100 रुपीज से स्टार्टिंग थे। यहाँ पे मैंने बैंगल्स भी काफी सारे ट्राई कर लिए। होलसेल मार्केट से निकल के हम गए बीएमसी मार्केट की तरफ और भाई साहब क्या रश था, मतलब हालत हो गई। और बीएमसी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। मतलब सिंपल साड़ी से लेके छटैंग फटैंग वाली साड़ीज, छटैंग फटैंग वाले ड्रेसेस। अगर आप वेडिंग के लिए लहंगा देख रहे हो तो कुछ 8000 से स्टार्टिंग होता है। यहाँ पे बच्चों के लिए ना यहाँ पे मस्त क्यूट क्यूट से फ्रॉक्स मिल रहे थे जो कि काफ़ी प्यारे थे। सो यहाँ पे दोस्तों नटराज मार्केट में मैं ये येलो वाला जो ड्रेस है वो ले रही हूँ एक इवेंट के लिए। वो इवेंट अभी इस वीडियो में नहीं पता चलेगा। कपड़ों की थोड़ी सी शॉपिंग करके हम निकल पड़े फुटवेयर्स लेने के लिए। और यहाँ पे ना लाइन से बड़ा सा मार्केट है फुटवेयर का। वहाँ पे मैंने ये चूज किया, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। यहाँ पे हर तरीके के आपको चप्पल मिल जाते हैं। प्राइसेस ना बहुत बोलते हैं ये लोग, 700-800-900, लेकिन थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर होना चाहिए आपके अंदर। आपको हाफ रेट सीधा बोलना है तभी आपका कोई फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे लड़कों के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है। वैसे इस लेन में आपको ओकेजन से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि वेडिंग हो गया, पूजा हो गया, तो ये सारा कुछ अगर आपके घर में है तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। डेकोरेशन वाले आइटम्स ये सब करके थक हार के हम जो है घर के लिए निकल पड़े। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी व्लॉग करूँ, तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया होगा, जिंगाट गल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अभी ना बहुत मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं।